जी सर, आप शुरू कर सकते हैं। मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। सर तलहा, प्लीज लिंक दोबारा मोस्ट ऑफ द चैनल्स में शेयर कर दें इस सेशन से रिलेटेड। ओके, सो सेशन का आगाज करते हैं इनसे हाईकोर्ट गुरु के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। हाईकोर्ट गुरु प्लेटफॉर्म जिसका इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया फॉर पाकिस्तानी यूथ ग्रेड्स और अंडर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए भी जो कि हाईटेक स्किल्स को टारगेट करके और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को वो ग्रैब कर सकते हैं, इंटरनेशनली अच्छी जॉब्स को वो ग्रैब करते हैं। ठीक है, सो जो ट्रेंड हम हाईकोर्ट ग्रुप पे यूज करते हैं जिसकी वजह से हाईकोर्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस हासिल करते हैं, इट्स द शेयर लर्न एंड ग्रो। हम अपना नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बहुत कुछ हम दूसरे मेंबर्स से सीखते हैं और हम सब मिलके एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का मिशन क्या है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एम्प्लॉयबिलिटी को टारगेट करते हैं हम, हाईटेक स्किल्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, हमारे जो भी सेशन होते हैं उनमें हम लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज पे काम करते हैं जो कि इन डिमांड होती है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ हम अपने स्टूडेंट्स का मीटअप करवाते हैं, उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं जी? अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में भेजते हैं, वहां पे वो मेंटर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज से बहुत कुछ हमारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है। How we work on this platform? Working days में हम Monday to Friday एक दिन में 6 sessions organize करवाते हैं जो कि different terminologies पे होते हैं, उसमें different languages को भी हम target करते हैं। Coding के sessions भी होते हैं जिसमें हम lead code की website पे problem solve करते हैं, और IELTS के free sessions भी होते हैं, IELTS and GRE के free sessions भी यहाँ पे organize करवाए जाते हैं। और अब एक बहुत ज़बरदस्त सा कोर्स आपके साथ शेयर किया जा रहा है जो कि SEO से रिलेटेड है, और इसकी इम्पोर्टेंस हमें सर हुज़ैफ़ा बताएंगे, वो हम अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और नॉर्मली हमारे 2 to 3 कोर्सेज कोडिंग के इस प्लेटफॉर्म पर रन हो रहे हो। वीकेंड्स के एक्चुअली स्केड्यूल हमारा ये है, हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं 9 PM सैटरडे, और वर्कशॉप करवाते हैं संडे को जो कि डिफरेंट किसी भी टर्मिनोलॉजी पे होती है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उस पर की जाती है। रिसेंट अचीवमेंट्स की बात की जाए, रिसेंट अचीवमेंट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर की गई है। हमारे स्टूडेंट्स 200+ स्टूडेंट्स हमारे अवार्ड विन कर चुके हैं हैकाथॉन्स में, पार्टिसिपेशन रेट ऑब्वियसली ज़्यादा है, ये जस्ट अवार्ड्स की काउंटिंग है। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने हासिल किए और ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की जिन्होंने रिसेंटली अप्लाई किया था लास्ट 2 ईयर्स में। लोकल एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स टाइम टू टाइम हमारे स्टूडेंट्स इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते रहते हैं। और लास्ट मंथ में एक कॉन्टेस्ट था CS50X पजल डे जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें हमारे काफी स्टूडेंट्स ने सारे पजल्स को सॉल्व किया था। इसी तरह हमने लास्ट मंथ में 2 हैकाथॉन्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, हमारे स्टूडेंट्स ने बड़े एक्साइटेड होके हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था। स्टैनफोर्ड की तरफ से जी एक कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया है कोड इन प्लेस, जिसमें हाईकोर्ट गुरु के भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। 7 मेंटर्स हाईकोर्ट गुरु से सिलेक्टेड हुए हैं एज अ सेक्शन लीडर, और 301 स्टूडेंट्स हमारे हाईकोर्ट गुरु से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था गूगल फेयरवेल कोडिंग कंपटीशन 23 में, रिसेंटली ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था।
और सर मोहम्मद तलहा, जैसा कि आप सब उनको जानते होंगे, उन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है इन USA. PhD में उनको एडमिशन मिला है. तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बहुत दफ़ा उनकी स्टोरी सुनी होगी. ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड कर देने वाली स्टोरी है. तो जिन लोगों ने नहीं सुनी, वो फेसबुक पेज पर जाके उनका सेशन सर्च कर सकते हैं, करियर सर्विसेज के लिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. सो जो लोग हमें फेसबुक पेज से लाइव वॉच कर रहे हैं, वो आई कोड गुरु की वेबसाइट से हमारे स्लैक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग रिकॉर्डिंग्स वॉच कर सकते हैं फेसबुक पेज पे. ओके, सो जी, हमारे साथ सर मोहम्मद हुज़ैफ़ा मौजूद हैं. काइंडली मेंबर्स, आप अपने कैमराज ऑफ कर लें. प्लीज टेक केयर ऑफ योर कैमराज. जी सर हुज़ैफ़ा, काइंडली यू कैन टेक स्टार्ट नाउ. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, हम यहाँ पे इस कोर्स के लिए हैं, SEO के लिए. थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो जाए पहले SEO का, क्या SEO है, क्या, और हम इसको लेके कैसे चलेंगे, इन चीज़ों को एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे, और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और कौन सा नॉलेज हमारे पास होना जो है वो बेहतर है. अगर वो हमारे पास हो तो हम इजीली वर्क कर सकते हैं. मोस्टली तो आप यहाँ पे IT से रेलिवेंट ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मे बी अगर कोई IT से रेलिवेंट नहीं है तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है. मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो IT से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, तो कोई भी इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है. इवन SEO अगर आप इवन अ मैट्रिक पास पर्सन भी कर सकता है. कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, और वो सारी गूगल की ही रिकमेंडेड हैं, और गूगल की रिकमेंडेशन के मुताबिक हम चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उनको देखते हैं और उनके ऊपर वर्क करते रहते हैं. उसकी बेस के ऊपर हमारी वेबसाइट जो है वो परफॉर्म करती हैं और सर्च के अंदर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आती हैं. तो ये सारी ये सिर्फ टेक्निक्स हैं, नथिंग एल्स. कोई कोडिंग इसके लिए आपकी ज़रूरी नहीं है. सिर्फ आपको फ्रंट एंड को हैंडल करना आना चाहिए लिटिल बिट. आई थिंक सो कि आपको वर्डप्रेस का आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी है आइडिया तो हम ऐसा करेंगे कि एक सेशन जो है उसके ऊपर सिर्फ वर्डप्रेस को देख लेंगे कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कहाँ से हमें इनको चेंज करना है. चूँकि SEO के अंदर हमें URLs को भी देखना होता है. SEO के अंदर हमें मोस्टली जो कोडिंग से रेलिवेंट है वो सिर्फ एक पार्ट है, और वो है HTML. HTML के अंदर हमें सिर्फ जो H1, H2, H3, H4 और H6 हैं इनको देखना होता है. बाज दफ़ा कुछ थीम ऐसे होते हैं जस्ट लाइक जैसे डिवी थीम है, कुछ इस तरह के और भी थीम हैं जिनके ऊपर आपको बाज दफ़ा कुछ मैनुअल काम भी करना पड़ जाता है. तो इसलिए इन चीज़ों का नॉलेज होना आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो आप बाज दफ़ा वेबसाइट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका जो क्लाइंट है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता. तो इसलिए आपको इन चीज़ों, अगर आप उसे ये कहेंगे ना कि आप डेवलपर से हेल्प ले लें, ये कर लें, आपने हमेशा उसको नहीं कहना, खुद से चीज़ों को करना है. और इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपने गूगल पे जाना है, किसी चीज़ की आपको आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, आपने सिंपल गूगल पे जाके अपनी प्रॉब्लम को पेस्ट कर दें. जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम को पेस्ट करेंगे आपके पास थाउजेंड ऑफ आइडियाज़ आ जाएंगे, उनके अंदर से आपने कोई भी आइडिया ले लेना और उसको इम्प्लीमेंट कर लेना. अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि SEO है क्या. तो SEO बेसिकली, जब आप एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं, कोई भी बिजनेस जो अपनी जिसे कहते हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर अपनी बिजनेस को लॉन्च करता है, तो उसके लिए उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं. एक, या तो वो SEO की तरफ चला जाए, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या तो इसकी तरफ चला जाए, या फिर वो गूगल एड्स की तरफ चला जाए. अब गूगल एड्स के ऊपर अगर वो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है सर. ओके, या तो वो गूगल एड्स की तरफ चला जाता है या फिर वो SEO की तरफ आते हैं. अब अगर वो SEO की तरफ आते हैं
तो उसके ऊपर लिटिल बिट टाइम रिक्वायर्ड होता है. लिटिल बिट से मुराद ये है कुछ मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं. जस्ट लाइक दैट हमें सबसे पहले उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, उसके ऊपर एक यूनिक सा कंटेंट पब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद हमें ऑन पेज एसईओ करनी पड़ती है, उसके टेक्निकल पार्ट को देखना पड़ता है, टेक्निकल एसईओ करनी पड़ती है, और उसके बाद ऑफ पेज एसईओ करनी पड़ती है. तो ये एक लॉन्ग थोड़ा सा प्रोसेस होता है. ऑलमोस्ट इसे समझ लें कि 3 से 4 माह का प्रोसेस होता है, जिसके बाद हमें रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. और वो जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद वो ऑर्गेनिक होते हैं. कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड शेयर करता हूँ, जैसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंपल वर्ड लिखा है मार्केटिंग, ठीक है, उसके ऊपर ये देखें कि मुझे ये सबसे पहले नंबर के ऊपर ये एक लिंक शो हुआ है, ठीक है, एक वेबसाइट आई है, उसके बाद ये सेकंड वेबसाइट आई है, थर्ड वेबसाइट आई है. लेकिन बाज दफा आप देखते हैं कि जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके ऊपर इनके अबव कुछ एड्स आ रही होती हैं, और वो जो एड्स आ रही होती हैं वो पेड होती हैं. लेकिन ये जो चीज, ये जो वेबसाइट फर्स्ट नंबर के ऊपर आ रही है, ये SEO की बेस के ऊपर आ रही है, ये अपने कंटेंट की बेस के ऊपर आ रही है, अपने कीवर्ड रिसर्च की बेस के ऊपर आ रही है, ठीक है. इन सारी चीजों की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये वेबसाइट यहाँ पे फॉल कर रही है. और ये देखें कि एक बहुत ही शॉर्ट सा, ये बेसिकली ये जो मैंने जो भी सर्च किया है, मार्केटिंग लिखा है, या आप कुछ भी वर्ड लिखते हैं, जस्ट लाइक जैसे आपको पावर वॉशिंग कोई सर्विसेज हैं आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो लिखते हैं, उसकी बेस के ऊपर जितनी भी वेबसाइट आपके सामने आ रही है वो सारी SEO की बेस के ऊपर आ रही है. अब इस पोजीशन के ऊपर लाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 स्टेप्स होते हैं. बेसिकली ऑन पेज होता है, टेक्निकल होता है, और उसके बाद ऑफ पेज होता है. लेकिन अगर आप इस लॉन्ग प्रोसेस के ऊपर नहीं जाना चाहते तो गूगल एड्स हैं. लेकिन गूगल एड्स के ऊपर ये है कि क्लाइंट जितना पे करता जाएगा उतने रिजल्ट्स मिलते जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर वो मंथली $500 स्पेंड कर रहा है तो उसे $500 के अगेंस्ट उसका बिजनेस मिलता जाएगा. लेकिन इसके ऊपर ये है कि अगर वो SEO के ऊपर आता है और वो 3 से 4 माह इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करके देखता है कि अगर उसको रिजल्ट्स ऑर्गेनिकली मिलते हैं, और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स और गूगल एड्स, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हमेशा ज्यादा होते हैं गूगल एड्स के निस्बत. गूगल एड्स के ऊपर सिर्फ आपको पेड ट्रैफिक मिल रही होती है. और बाज दफा जस्ट लाइक जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे अगर कुछ यहाँ पे एड नजर आ जाती है, हम नीचे नहीं जाते और वैसे ही क्लिक कर देते हैं. तो इसलिए बहुत से क्लिक्स ऐसे भी मिलते रहते हैं और आपको उसकी कास्ट जो है वो बियर करना पड़ती है. तो इन चीजों से अवॉइड करने के लिए फिर क्लाइंट क्या करते हैं कि आपको एज अ SEO पर्सन प्रोफेशनल हायर कर लेते हैं. पर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है ये. कभी भी प्रोजेक्ट इस तरह से नहीं होता कि आप लाइक 1 वीक में फिनिश कर दें, 2 वीक में फिनिश कर दें. ये ऑलमोस्ट लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है. लेकिन ये आपकी सर्विसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्विसेज ही कीवर्ड रिसर्च की दे रहे हैं, आपके ग्रिप ही कीवर्ड रिसर्च के अंदर है, तो फिर आपका प्रोजेक्ट तो इतना ही होगा कि आपने उसको 1 वीक, 4 डेज और 5 डेज के अंदर अपनी कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च करनी है, कंपेटिटर एनालिसिस करना है, और उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है. और नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा कि वो नेक्स्ट पर्सन के पास जाएगा और वहां से जाके अपना ऑन पेज और टेक्निकल और ऑफ पेज करवा सकता है. अब ये जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी सर्विसेज ही दें. सर सर्विसेज तो नॉर्मल SEO से हट के नहीं होता. सॉरी आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझा, काइंडली आप अनम्यूट करके पूछ लें. अच्छा लोकल SEO सर. जी जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि हाँ जी ये जो सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं कि हाँ जी हम लोग फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर है या एक कारपेंटर है, इसकी जो अगर हम SEO करें तो ये तो फिर लोकल SEO होगी ना, ये तो नॉर्मल SEO तो ना होगी. जी जी ये लोकल SEO होगी. और जैसे ई कॉमर्स SEO है, ठीक है, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है. देखिए रूल सेम ही रहता है SEO का, बस आपके कीवर्ड चेंज हो जाते हैं. अगर आपकी इंटेंट चेंज हो गई है, आपने सिर्फ लोकली टारगेट करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरांवाला में फॉल करता हूँ, तो मैंने सिर्फ गुजरांवाला को टारगेट करना है. मेरी सर्विसेज ही गुजरांवाला के लिए हैं, मैं कोई भी और सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा. जस्ट लाइक मैं कार वॉशिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ गुजरांवाला के अंदर डोर टू डोर. तो मैंने अपनी जितनी भी SEO करनी है उसके अंदर मैं सिर्फ इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करूंगा, कार वॉशिंग इन गुजरांवाला, जस्ट लाइक दैट. कि मैं सिर्फ मेरा कीवर्ड क्या होगा कि मेरा फोकस इसके ऊपर होगा कार वॉशिंग गुजरांवाला, ठीक है. उसके ऊपर फिर मैं अगर
कुछ एरियाज को ही कर रहा हूँ या एक टाउन को ही कर रहा हूँ तो मैं वो भी टारगेट कर सकता हूँ। मेरे पास मेरा जिप कोड होगा, मैं उस जिप कोड को अपने गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल के ऊपर रखूंगा, अपने कीवर्ड्स वहां पे रखूंगा, अपनी सर्विसेज को लिस्ट करूंगा वहां पे। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ, मैं आपको इसकी भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने ये एक चीज सर्च की है तो मेरे पास कोई भी रिजल्ट्स नहीं आए। सबसे पहले मेरे पास गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल्स आई हैं, उसके बाद अगर जाके आप सर्च को देखें, बेसिकली हम इसको सर्च कहते हैं, ये जो चीज हमारे सामने नजर आ रही है इसको हम सर्च कहते हैं एसईओ के अंदर। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास पहली वेबसाइट आई है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक दो तीन जो इस टाइम पे शो हो रहे हैं और मोर बिजनेस भी हैं, अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो आपके पास ये सारे बिजनेस ही आ रहे हैं। और ये इनकी किस बेस के ऊपर आ रहे हैं, ये गूगल माई बिजनेस लोकल एसईओ की बेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट्स भी हैं, इनका सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी सारा कुछ। अब ये क्या है कि इसने, ये इसकी वेबसाइट है, हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये इसकी वेबसाइट है। तो ये गूगल माई बिजनेस का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है जब आप लोकली काम कर रहे होते हैं, और ये एक आपके पास प्लस पॉइंट होता है। ये आपका 100% गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें सर्च के अंदर सबसे पहले हमें ये चीज आ रही है, उसके बाद हमें वेबसाइट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट ऑन पेज एसईओ के बाद ही करेंगे कि लोकल जो बिजनेसेस हैं उनकी एसईओ कैसे करते हैं, और कीवर्ड रिसर्च के अंदर भी हम ये चीज को देख रहे होंगे। क्लियर हो गया जी आपका क्वेश्चन? राइट सर, क्लियर हो गया। बस मेरा सर में ना दो तीन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने एसईओ के ऊपर ना थोड़ी सी मतलब ये रिसर्च की थी पहले स्टार्ट में ना, मतलब ये केस के पीछे पड़ा रहा, लेकिन ये कि इसके ऊपर मुझे ज्यादा सक्सेस नहीं मिल सकी, ठीक है। तो इस सिलसिले में पूछना चाहता था कि आपका मतलब ये कि जर्नी कैसी रही थी एसईओ के अंदर ना, मतलब आपने स्टार्ट लिया, क्या क्या आप लोगों ने आपके मतलब प्रॉब्लम्स क्या आई थी, ठीक है, इनसे कैसे निकलते गए चले गए, तो इस बारे में मतलब थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करेंगे तो हमारा बेस्ट हो जाएगा आइडिया। और दूसरी चीज ये कि हाँ जी जर्नी हमारी अभी कैसी रहेगी, और ये जो कोर्स है इसकी आउटलाइन क्या आप लगाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एफिलिएट हो जाता है, एडसेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने कल खालिबन मैंने मैसेज किया था, मैंने उसके ऊपर मैसेज किया है, एपीके भी आता है, एपीके के ऊपर भी है, क्योंकि एपीके के अंदर एडसेंस के ऊपर वो सबसे ज्यादा अगर कोई इजीली जाना जाता है तो वो एपीके के अंदर चले जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इवेंट ब्लॉगिंग आ जाती है, इवेंट ब्लॉगिंग के बाद जब लास्ट में जो कोई भी नहीं ना वो जाना जाता वो ये होता है अपना गूगल माई बिजनेस वाला लोकल एसईओ, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। तो इस तरह के चक्कर है कि अगर थोड़ा सा मतलब माइंड क्लियर हो जाए तो फिर हम लोग चले, मतलब ये कि अगर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, मतलब एक अगर पाथवे से चले मुकम्मल तौर पे, ठीक हो गया, तो काफी इजी रहेगा कि हाँ जी समझने के लिए। और फिर अगर आप अगर 3 वीक्स है तो 3 वीक्स तो एसईओ के लिए तो हमेशा छोटे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे अगर डिफरेंट कोर्सेज की बात की जाए, नांडला साहब का कोर्स भी तकरीबन ये कि 4 महीने तक निकल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद भी मतलब ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अगर हम लंबी करें तो वो भी ठीक रहेगा, क्या ख्याल है? मतलब डिफरेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है, मैं आपके बताना चाह रहा था बिल्कुल स्टार्ट में, शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा न्यूबीज के लिए, लेकिन एक दफा स्टार्ट में पता चल जाता तो बहुत बेस्ट था। थैंक यू सर। चलिए मैं आपको उसके ऊपर भी ना कर लेते हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पे मेन पर्पस है फ्रीलांसिंग का, ठीक है, कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और अर्निंग करनी है इन डॉलर्स, ठीक है। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो सबसे ज्यादा टारगेट वाला होगा एज अ न्यूबी वो होगा फाइबर, लेकिन जैसे ही आपके पास आप कोई 15 से 20 प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फिर अपवर्क के ऊपर जाएं। उसकी रीजन क्या है, अपवर्क के ऊपर जितने भी क्लाइंट्स हैं मोस्टली या तो वो एजेंसीज रन कर रहे हैं, ठीक है, या उनको कंप्लीट नॉलेज है। आप उनके साथ जब भी कम्युनिकेशन करेंगे अपवर्क के ऊपर, आपको आइडिया होगा कि आपके क्लाइंट को A to Z हर चीज आती है, वो इवन आपको बता रहा होगा कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो सारी चीजें आपको गाइड कर रहा होगा। अब इसका पोटेंशियल कितना है, देखें ये आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। जो सबसे ज्यादा अर्निंग वाली इसके अंदर फील्ड है वो है ऑफ पेज एसईओ, जिसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग मोस्ट इन डिमांड है और सबसे ज्यादा उसके अंदर आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन
आपको अगर आप ये कहें कि आप कीवर्ड रिसर्च के ऊपर नहीं कर सकते, तो मैं आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी दिखाऊंगा जो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसके ऊपर मंथली 1000 से प्लस अर्न कर रहे हैं। इवन हम उनको छोड़ देंगे, वो टॉप रेटेड हैं, हम एज अ न्यू सेलर को ले लेंगे, लेवल वन सेलर को ले लेंगे और लेवल टू सेलर को ले लेंगे कि वो कितना अर्न कर रहे हैं। हर चीज जो है आपके साथ वो शेयर की जाएगी और आपको वो मैं दिखाऊंगा भी लाइव कि ये कितना लोग अर्न कर रहे हैं और हम इनको कैसे एनालिसिस करते हैं और हमने किस तरह से अपनी गिग बनानी है और किस तरह से हमें जो है उसको टॉप पे लेके आना है, क्या क्या ट्रिक्स हैं उसके अंदर। और कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम लाइव नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम तब करेंगे जब हमारा सेशन लाइव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर अपना अकाउंट भी शो करना है या मैं अपनी चीजें शो करवाता हूँ तो वो मैं लाइव कभी भी शो नहीं करवाऊंगा वो चीजें। तो बाकी ये सारी चीजों के ऊपर हम एक लंबी डिस्कशन करेंगे और इसका कितना पोटेंशियल है एसईओ का। चले मैं एज ए एग्जाम्पल आपसे कह देता हूँ कि जस्ट लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट जो है इसके ऊपर 1.5 ईयर हो गया मुझे वर्क करते हुए, ठीक है, इस टाइम के ऊपर मैं लेवल टू सेलर हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे जो 100 के करीब जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, कि मेरे पास ऑलमोस्ट 80 प्लस जो है जिसे रिव्यूज कहते हैं वो मौजूद हैं और सारे ही 5-star रेटिंग है। बेसिकली आपकी जो मेन चीज है वो मेन चीज ये है कि आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। इवन मैं कुछ ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जो मेरे साथ इस तरह से कनेक्ट हैं तो उन्हें एसईओ नहीं आती है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती एसईओ, उन्हें वेब डेवलपमेंट नहीं आती, वो क्या करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रोंग है, वो क्लाइंट के साथ जूम के ऊपर जाके लाइव मीटिंग करते हैं और मीटिंग की बेस के ऊपर वो क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके वो ऑर्डर खुद लेते हैं। ऑर्डर लेने के बाद वो क्या करते हैं कि वो आपको हायर करते हैं कि आप हमें ये काम करके दें। अब ये नहीं आइडिया कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सर्विसेज को कभी भी डाउन नहीं कीजिएगा किसी के लिए भी, वो चाहे कोई पाकिस्तान से बिलोंग करता हो या कहीं से भी हो, आपने अपनी सर्विसेज के जो रेट्स हैं उनके ऊपर ही रहना है और हमेशा ये ट्राई करनी है कि आपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करना है। अब एसईओ के अंदर सेटिस्फेक्शन जो है क्लाइंट के लिए वो आप कैसे हो सकती है, ठीक है, आपने उसको जो भी टास्क आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऑन पेज कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, उसको वेल मैनर्स वे में आपने एक शीट रेडी करनी है, शीट रेडी करके उसे डिलीवर करना है और ट्राई करें एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप उसको कंप्लीट जो है एक मतलब प्रोवाइड करें कि हम किस तरह से लेके चलेंगे, हमारे क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस चीज के ऊपर, ठीक है, इन चीजों की ये सारी एक ब्रीफ डिस्कशन होगी और इसके रिसोर्सेज भी मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करता रहूंगा कि किस तरह से हमें ये कम्युनिकेशन करनी है और क्लाइंट को बताते रहना है, क्योंकि बस क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि हमें 4 माह लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे या 8 लग सकते हैं, कितना लग सकता है, तो हमें ये स्टार्ट के ऊपर भी उसको बता देना है कि हमें ऑलमोस्ट इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी प्रॉमिस नहीं करना एसईओ के अंदर कि आप उसको रिजल्ट्स ला के देंगे, ठीक है, क्योंकि एसईओ के अंदर आप कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकते इस चीज का कि मैं 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर या 1 वीक के अंदर जो है वो कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी 2 चीजें हैं, एक व्हाइट हैट एसईओ है, हम सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ की बात करेंगे, एक ब्लैक हैट एसईओ है, ब्लैक हैट एसईओ की हम बात भी नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक इलीगल सर्विसेज के ऊपर काउंट की जाती है, तो हम इलीगल सर्विसेज को टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो लीगल सर्विसेज हैं उन्हीं को टच करेंगे और उनके ऊपर हमारे क्या क्या किन किन फील्ड के ऊपर ले सकते हैं। और इवन मैं आपको ये बता दूं, आप अगर एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी 4 या 5 डोमेन के अंदर आपने जस्ट लाइक आपने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी बना ली, वेबसाइट ऑडिट के ऊपर भी बना ली, अब वेबसाइट ऑडिट जो है ना ऑलमोस्ट 2 आवर का काम है, ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते एज अ न्यूबी आपको, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर तो आप विद इन 30 मिनट्स जो है वो सारे टास्क कर सकते हैं। तो अब इसकी सर्विसेज भी जो है वो मतलब $25 के अंदर जो बेसिक प्राइस है उसके ऊपर लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और अगर आपको जब मैं करके दिखाऊंगा इसके ऊपर कुछ भी चीजें नहीं है, बस क्या है आपके पास टूल्स होने चाहिए, आप उन टूल की बेस के ऊपर वेबसाइट का एनालिसिस कर सकें और आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें उसकी देखनी है और उसके कंपेटिटर्स को कैसे देखना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, टूल्स के नेम भी हम देखेंगे कि कौन कौन से हमको यूज करना भी देखेंगे। तो जी, और लास्ट एक क्वेश्चन था आपका ब्लॉगिंग से रेलिवेंट,
तो देखें ब्लॉगिंग हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्लॉगिंग के ऊपर बता दूंगा। अब ब्लॉगिंग के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, क्या आप उसके ऊपर, अब उसके अंदर नीच जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो ही आप गलत सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका ब्लॉग जो है वो रैंक ही नहीं होता। जस्ट अ मिनट, मुझे सर आपकी वॉइस थोड़ी सी मतलब ये कम हो रही है या मुझे सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। वो अभी पॉज हुए हैं, हाँ तो जब तक सर होल्ड पे हैं, तो अगर हाई कोर्ट गुरु से रिलेटेड कोई जनरल क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। क्वेश्चन तो नहीं है, मेरा एक कमेंट है कि फेसबुक के ऊपर जब हम पुराने सेशन सर्च करते हैं ना तो उसके ऊपर टाइटल नहीं लिखा होता, तो हमें प्रॉब्लम ये आती है कि सेमिनार फॉर एग्जांपल अब कल का सेमिनार है या पिछले हफ्ते का सेमिनार है, अब हमें एक तो पहले वीडियो प्ले करके देखना पड़ता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, तो वीडियोस के ऊपर टाइटल लाजमी लिखें, जो भी आपका फेसबुक का पेज मैनेज कर रहा है उसको कहें कि बिजनेस सूट में जाके तो टाइटल ऐड करें। अब पता नहीं लग रहा कि कौन सा सेशन क्या डिस्कस कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मॉडरेटर्स प्लीज मेक नोट ऑफ दिस। सो एक्चुअली हुआ ये है कि पिछले कुछ अरसे से फेसबुक अलाउ नहीं कर रहा कि आप टाइटल या इवन एडिट कर सकें वीडियोस को, उसकी रीज़न मुझे नहीं पता, हम उसको डिबग कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि टाइटल ज़रूर हो, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें वीडियोस को तो हमारे टाइटल काफ़ी क्लियर होते हैं कि वीक वन डे थ्री और साथ कोर्स लिखा होता है। तो मॉडरेटर्स प्लीज़ लेट्स कीप डिसिप्लिन ऑन इट, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। कोई ऐसा साथी जैसे मेरे बारे में ना बताओ या आईकुड गुरु के बारे में ना बताओ, हैंड रेज करते हैं, अगर सबको पता है तो देन वी विल सेव टाइम। चलें जी, अब्दुल्ला, आई कोड गुरु बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन है यहाँ पे, और हमारा गोल ये है कि हम जो अब हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो लोग कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें गाइड करें ताकि वो इस काबिल हो सकें कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। अगर उन्होंने दुनिया की बेस्ट कंपनीज में काम करना है, गूगल में, अमेजोन में, तो हम उसके लिए उनकी तैयारी करवाते हैं। अगर उन्होंने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में बगैर कोई पैसा लगाए पढ़ना है तो हम उसके लिए उनको तैयार करते हैं। तो हम बेसिकली उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो आप में से जिस साथी के भी जो ड्रीम्स हैं तो वी हेल्प देम रियलाइज देम। तो जैसे ये SEO का सेशन फ्रीलांसिंग के लिए है कि जिनको सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल, लेकिन अदरवाइज हम उन टेक्नोलॉजी भी फोकस करते हैं जी जो टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड हैं दुनिया की बड़ी कंपनीज को, जिनकी सैलरी अच्छी होती है, तो जिनमें कोडिंग आती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और अगर आपको कोडिंग आ जाए तो फिर कंपनीज कहते हैं कि बाकी चीज़ें हम खुद ही सिखा देंगे, बाकी चीज़ों पर वो ऑप्शनल होते हैं। तो इसी तरह हम आइल्स करवाते हैं, तो अगले साल जिन लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना है तो हम समर में उनको फ्री आइल्स करवाएंगे और उसके बाद उनको अप्लाई करवाना शुरू करें। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अदरवाइज हमारे दिन में 6 सेशन होते हैं, तो कोई भी साथी अगर हमारे एक सेशन में आता रहे 5-6 महीने तो वो काफ़ी हद तक इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनल बन चुका होता है। तो नो मैटर कि उसका GPA क्या है, नो मैटर उसे इंग्लिश आती है कि नहीं आती, नो मैटर कि उसने पहले कितना काम किया होगा। जी किसी और को कमेंट? जी सर इजाफा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम ब्लॉग्स के ऊपर जाते हैं तो वो एक हमारी अलग से फील्ड हो जाएगी, तो उसके ऊपर हमें काफी ज्यादा कि हमें एडसन कैसे अप्रूव करना पड़ेगा, कौन से थीम को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करना है, वेबसाइट को कैसे बनाना है, उन सारी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम ब्लॉगिंग के ऊपर बहुत ज्यादा तो नहीं वर्क करेंगे, हम इतना करेंगे कि ब्लॉगिंग को
टच कर लेंगे, आपको ये बता दूंगा कि ब्लॉग बनाना कैसे है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। लेकिन अगर आप ये मुझे कहेंगे कि आप हमें ब्लॉग बना के दे दें या हमें नीच रिसर्च करके दे दें, तो उसके ऊपर तो मैं आपसे मदद कर लूंगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा उस चीज के ऊपर। हमने जो जाना है वो ऑन पेज के ऊपर जाना है, टेक्निकल एसईओ के ऊपर जाना है, जिसके अंदर वेबसाइट की ऑडिट है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, और ऑफ पेज एसईओ है, जिसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग है, बैकलिंक्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बैकलिंक्स हैं, कौन से वर्क करते हैं और कौन से नहीं करते, कौन से स्पैमी होते हैं, किस तरह से हमें बनाने हैं, उन चीजों को हम लेके चलेंगे। हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे कि एक वेबसाइट को ले लेंगे या अपनी एक वेबसाइट रेडी कर लेंगे, कोई भी मतलब स्क्रैच से कुछ भी, जिस तरह से आप कहेंगे उसको वैसे ही लेके चल लेंगे। और वर्डप्रेस को हम लाजमी देखेंगे, क्योंकि आपके मोस्टली क्लाइंट जो हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर ही होंगे, और वर्डप्रेस के ऊपर आपको सिर्फ डैशबोर्ड को हैंडल करना आना चाहिए कि उसकी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं, थीम कहाँ पे होता है, ठीक है, उसको कस्टमाइज कैसे करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका H1 ही मिसिंग है, तो आपकी वेबसाइट ओनली थीम के अंदर बनी हुई है, उसके अंदर कोई और प्लगइन जस्ट लाइक जैसे एलिमेंट और नहीं यूज हुआ, कुछ और यूज नहीं हुए, मैं भी नाम नहीं इसलिए ले रहा कि मे बी कुछ पर्सन को आइडिया ना हो तो वो कंफ्यूज हो जाए। तो बेसिकली हम जैसे ही वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखेंगे, आपको बिल्कुल इजी से पता चल जाएगा कि जैसे मेरे पास ये चीजें लिखी हुई हैं, सेम जस्ट लाइक ऐसे ही लिखी हैं, और उसके ऊपर क्या है, ड्रैग एंड डाउन है। वहां पे वेबसाइट भी ऐसे ही बनती है कि आपको H1 चाहिए, आप सिंपल यहाँ से पिक करते हैं हेडिंग और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अपनी हेडिंग लिख देते हैं और उसको H1 में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या मतलब सिंपल क्लिक्स हैं कि आप विद इन 15 सेकेंड और 20 सेकेंड जो है अपना H1 और बाकी सारी चीजें जो है वो रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, एट दी एंड उसके बैक एंड के ऊपर भी कोडिंग ही होती है, लेकिन आप कोडिंग को नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ फ्रंट एंड की चीजों को कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा, हमने सिर्फ इसको देखना है सबसे पहले इसके ऊपर हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। सब के बाद हम स्टार्ट लेंगे अपना कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हमें मे बी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं, और वो हम टूल्स के जरिए भी करते हैं, गूगल के जरिए भी करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है। अब आप कौन सी यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक लास्ट में चीज मैं ऐड कर दूं, देखिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एसईओ के अंदर, ठीक है, कि किस किस तरह से चीजें हो सकती हैं, बाकी आप उनको जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे, मैं आपको कीवर्ड रिसर्च का वे बताऊंगा, टूल्स बताऊंगा, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। हो सकता है आपको मुझसे बेटर वे मिल जाए गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी। आपने सिंपल मेरी बताई हुई चीज के ऊपर नहीं रहना, देखें एक चीज को करने के बहुत सारे वेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ AHREF के जरिए, आप SEM रश के जरिए करना चाहते हैं या आप सिंपल गूगल के जरिए करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इन चीजों को लेके खुद से देखेंगे, जो मतलब हमने चीज डिस्कस की है, फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड रिसर्च, तो जैसे ही मैं कीवर्ड रिसर्च करके आपको दूंगा, तो आपका भी ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक दफा इम्प्लीमेंट करके देखें। देखिए एसईओ इतनी आसान है देखने में, एसईओ इतनी आसान है देखने में कि मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा कि यार ये मैं टूल यूज कर रहा हूँ कि ये मेरा कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये रिलेटेड सर्चेज हैं, ये भी मेरे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये देखें कितनी आसान सी तकनीक है कि हमें आइडियाज मिल रहे हैं डिफरेंट कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन के, तो मुझे यहाँ से डिफरेंट कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन के आइडियाज मिल रहे हैं। देखने में तो ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन एसईओ के अंदर आप अगर कीवर्ड ही रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसकी इंटेंट नहीं देखते, आप ये नहीं देखते अगर आप टारगेट कर रहे हैं अमेरिका को, यूएसए को, या आप पाकिस्तान को कर रहे हैं, इंडिया को कर रहे हैं, या आप यूरोप को कर रहे हैं, तो आपको कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले अपने लोकेशन को उस हिसाब से सेट करना होता है, टूल्स के ऊपर भी बाकी चीजों। अगर आप ये अप्रोच ही गलत कर लेते हैं स्टार्ट के ऊपर, कीवर्ड ही रॉन्ग चूज कर लेते हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आती, या ट्रैफिक आती भी है तो फॉर एग्जाम्पल आपने रैंडम कीवर्ड उठा के सेलेक्ट कर लिए, लेकिन आपको आइडिया नहीं था कि वो कीवर्ड यूएसए का था, वो कीवर्ड रशिया का था, लेकिन आपको आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक जो है आपकी गूगल एनालिटिक्स में देख रहे होंगे, गूगल सर्च कंसोल में देख रहे होंगे चीजों को, कि आपके पास ट्रैफिक तो है लेकिन आपके पास कुछ भी कन्वर्जन नहीं है, लेकिन आप देखेंगे सारी ट्रैफिक इररिलेवेंट होगी। तो ये सारी टेक्निक्स ही हैं, नथिंग एल्स। तो टेक्निक्स के ऊपर एक्सपीरियंस के साथ चीजें आप सीखेंगे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट लिया था
तो मैंने भी सिंपल दो चार वीडियोस देखी थी और दो चार वीडियोस देखने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग का अपना स्टार्ट ले लिया था। और मुझे जो प्रोजेक्ट थे वो ऑलमोस्ट जल्दी मिल गए थे कि मुझे इतना ज्यादा वेट करना नहीं था पड़ा, लेकिन उसके अंदर हार्ड टाइम भी आया कुछ, ठीक है। और बाज दफा आपके पास इतना वर्क हो जाता है कि आपसे खुद हैंडल नहीं होता, आप लोगों से करवाते हैं। और फ्रीलांसिंग के अंदर हमेशा एक चीज के ऊपर ही आपने जाना है कि आप अपना टेबल सेट करें। टेबल से मुराद ये है कि आप अपने लोग रेडी करें, उनको अपने साथ लगाएं, उनको काम दें और उनसे काम करवाएं। लेकिन ये स्टार्ट के ऊपर पॉसिबल नहीं है। ये जैसे ही आप फ्रीलांसिंग के अंदर एक या डेढ़ साल गुजार लेते हैं तो आप तब ये चीज इमेजिन करेंगे कि आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई भी छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं उससे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन कभी भी अपनी जॉब को फ्रीलांसिंग के लिए ना छोड़िएगा स्टार्ट के ऊपर। जब आप ये देखेंगे कि आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं और वो आपके साथ मंथली बेसिस के ऊपर चल रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं अपनी जॉब को स्विच, अदरवाइज ना कीजिएगा। और ये आपके साथ क्लाइंट इस तरह से जुड़ते जाते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले, ठीक है, या मार्केटिंग एजेंसीज वो आपको हायर कर लेती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट हम पकड़ते जाएंगे यूके से या ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से भी वो पकड़ते हैं। तो आपका काम क्या होता है कि आपने उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो जितनी क्वालिटी बेस्ड सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करेंगे उतने ज्यादा वो आपके साथ अटैच होते जाएंगे। जी, हैंड रेज किया था किसी ने कोई क्वेश्चन? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक अच्छे फ्रीलांसर को जो एसईओ की सर्विसेज दे रहा है सर, उसको वर्डप्रेस की कितनी नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होगी? क्या उसको प्लगइन्स की भी नॉलेज रिक्वायर्ड होगी? क्या पीएचपी के जो एरर्स आते हैं वर्डप्रेस के डेवलपमेंट करते वक्त, तो उसको उस तरफ भी जाना पड़ेगा एक अच्छे फ्रीलांसर को? नहीं, हमें कोडिंग के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। कभी भी एसईओ पर्सन को कोडिंग के ऊपर नहीं जाना पड़ता। उसकी रीजन क्या है? देखें, इसके अंदर ही इतने ज्यादा टास्क हैं कि आप उनको ही कंप्लीट नहीं कर सकते। आप एक पूरी फुल फ्लेज सर्विस एसईओ के अंदर अकेला पर्सन नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मैं कीवर्ड रिसर्च भी दे रहा हूँ, ठीक है, ऑन पेज एसईओ भी दे रहा हूँ और टेक्निकल एसईओ भी दे रहा हूँ और ऑफ पेज एसईओ भी दे रहा हूँ, लोकल एसईओ भी कर रहा हूँ, ठीक है, गूगल मैप की एसईओ भी कर रहा हूँ, साइटेशन भी कर रहा हूँ, ये मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, तो ये झूठ है, मैं सारा कुछ नहीं कर सकता। उसकी रीजन, अकेला पर्सन इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता। अगर तो आपके पास टीम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एसईओ के अंदर आपको कभी भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी रीजन, अगर पीएचपी के एरर आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। उसकी रीजन, आपने कभी पीएचपी पढ़ी नहीं है, आप पीएचपी को लिख नहीं सकते। आपके पास इतना नॉलेज जरूर हो सकता है कि आप दे सकते हैं ये एरर किस से रेलिवेंट है, ठीक है। आप क्लाइंट को ये बता दें कि हमें पीएचपी के ऊपर ये एरर आ रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो वो अपने डेवलपर से खुद ही जो है उसका सोल्यूशन करवा लेगा। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि कोडिंग रेलिवेंट या बैक एंड की चीजों को आप हैंडल करें। और वर्डप्रेस का कितना नॉलेज होना जरूरी है? वर्डप्रेस का सिर्फ इतना नॉलेज होना जरूरी है कि आपको प्लगइन इंस्टॉल करना आता हो और डिलीट करना आता हो, ठीक है, और प्लगइन की सेटिंग करनी आती हो। और वो सेटिंग किस तरह से होती है वो बहुत आसान है, उसके ऊपर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं इंशाल्लाह कल ट्राई करूंगा कि कोई भी वेबसाइट लेके तो उसका जो है ना वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड आपके सामने शेयर कर दूं कि किस तरह से ये वर्क करता है। आपका ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इतना आसान है कि जैसे हम अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह से चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। सिंपल वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्लगइन्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं, एड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो सर्च का ऑप्शन है। सिंपल, अगर मैंने योस्ट को इंस्टॉल करना है तो मैं सिर्फ योस्ट लिखूंगा, जैसे ही मैंने योस्ट लिखना है प्लगइन आ जाएगा। सिंपल उसके ऊपर इंस्टॉल कर दें, ठीक है, और एक्टिवेट कर दें। बाकी उसकी जो सेटिंग्स हैं उसको हम खुद से देखेंगे कि एसईओ प्लगइन की सेटिंग्स हमने किस तरह से करनी है, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। उसके ऊपर क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ है आपके पास। वो अगर आपसे यूआरएल डिमांड कर रहा है, वो अगर आपसे कंपनी नेम डिमांड कर रहा है, तो सिंपल उसकी जितनी फील्ड्स हैं उनको फिल करते जाए। उनको फिल करने के बाद कुछ चीजों को हमने चेक करना होता है, कुछ को अनचेक करना होता है, तो उनको हम देखेंगे। वो हमारे ऊपर है, वो एज एसईओ पर्सन है, ठीक है, वो चीजें आप वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। लेकिन विद इन वन सेशन आप वर्डप्रेस को भी सीख लेंगे कि किस तरह से हमने इसको हैंडल करना है। एसईओ में आपको जितनी जरूरत है एक सेशन के अंदर आप आराम के साथ कर सकते हैं। इवन अगर आप 15 से 20 मिनट की वीडियो भी देखेंगे कहीं यूट्यूब के ऊपर, वर्डप्रेस से रेलिवेंट कोई भी कॉमन सी वीडियो भी देख लें कि कैसे पेज क्रिएट किया जा सकता है वर्डप्रेस के ऊपर, तो सिंपल आप वो देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वर्डप्रेस बहुत ज्यादा आसान है।
और एसईओ के अंदर आपको कोई भी इससे रेलिवेंट डिफिकल्टी फील नहीं होगी। अब देखें, जरूरी नहीं है कि आपने वर्डप्रेस के ऊपर ही रहना है, विक्स भी है, शॉपिफाई भी है, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है इस तरह के जिनके ऊपर आप वेबसाइट बहुत आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। अब देखें, एसईओ प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, ठीक है, या कुछ भी हो, वो सेम ही रहती है, उसकी तकनीक भी सेम रहती है, उसकी हर चीज सेम रहती है, तो आपने कभी भी इस चीज से नहीं घबराना कि ये विक्स के ऊपर है या क्या। ऑलमोस्ट उसका डैशबोर्ड और इसके डैशबोर्ड के अंदर लिटिल बिट डिफरेंस होगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सारी चीजें ड्रैग एंड डाउन ही है। तो एक दफा हम वो आप उनको देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी विक्स को नहीं देखा तो आप यूट्यूब के ऊपर जाएं तो सिंपल विक्स एसईओ लिखेंगे तो उसका ट्यूटोरियल देखेंगे 10 से 15 मिनट का, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इस तरह से होता है। तो जैसे ही क्लाइंट आपको एक्सेस देगा आप उस चीज को कंपेयर कर लें, ठीक है, तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये है कि स्टार्ट के ऊपर आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की हो, ये नहीं है कि बस सुनते जाएं। अगर सुनते जाएंगे तो टू बी होनेस्ट, मैं भी सुनता था, मैंने कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी की, तो जब मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था तो मैंने सारी चीजें दोबारा से देखी थी कि कैसे कैसे काम हो रहा था और कैसे कैसे मुझे करना है, ठीक है, और कहीं पे मैं स्टक भी हो जाता था, मुझे फिर देखना पड़ता था। तो इसलिए अगर आप साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे तो आपके लिए ये चीजें आसान होती जाएंगी। वैसे देखने में बहुत आसान है एसईओ, इतनी आसान है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन करने के अंदर ये काफी मुश्किल भी है। मुश्किल से मुराद ये है कि आप टाइम रिक्वायर्ड करती है कि आप मतलब इम्प्लीमेंटेशन जब कर रहे होते हैं तो आपको अपने कंपेटिटर को बहुत ज्यादा एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो देखें, गूगल अगर टॉप पे ला रहा है किसी वेबसाइट को तो वो किसी वजह से लेके आ रहा है, तो उन सारी रीजंस को फाइंड करने के लिए हम अपने कंपेटिटर्स को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम अपनी एसईओ स्टार्ट करते हैं कि मेरा कंपेटिटर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किन कीवर्ड्स के ऊपर परफॉर्म कर रहा है और वो किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहा है, ऑफ पेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, टेक्निकल एसईओ उसकी किस तरह की, ये सारी चीजें हम देखने के बाद ही स्टार्ट लेते हैं अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर और फिर हम उसको उसी तरह से लेके चलते हैं। और एक पूरा प्लान जो है हम पहले ही बना लेते हैं कि मुझे इसके पहले कीवर्ड सर्च करनी है, फिर कंटेंट करना है, फिर ये। अब देखें, कंटेंट राइटिंग भी आपका टास्क नहीं है, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते तो आपने अपने क्लाइंट को साफ कहना है, मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं मैंने एक दफा भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया, मैंने जितनी दफा भी कंटेंट प्रोवाइड किया है मैंने किसी ना किसी को हायर किया है, और मैं उसे साफ बताता हूँ क्लाइंट को, ठीक है, कि ये मेरी सर्विसेज नहीं है, मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ, आप इसके लिए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हायर करें। इवन मैं टूल के जरिए लिख सकता हूँ कंटेंट, लेकिन जो मेरी फील्ड नहीं है मैं उसके ऊपर नहीं जाता, मैं अपनी ही फील्ड के अंदर रहता हूँ और ट्राई करनी है जो वर्क आपको आता हो सिर्फ वो ही प्रोवाइड करें और बाकी को साथ साथ चलते जाएं। सबसे आसान जो चीज़ है इसके अंदर वो कीवर्ड रिसर्च है और ऑन पेज एसईओ है, उसके बाद थोड़ी सी जो लिटिल बिट डिफिकल्ट कह लें या टेक्निकल कह लें वो इसकी टेक्निकल एसईओ है, जिसके अंदर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आती है, ठीक है, उसके अंदर आप एरर्स देख रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, पिक्चर्स के, क्या उनका फॉर्मेट ठीक नहीं है या और सर्वर एंड से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो क्यों आ रही हैं, ठीक है, जो आप हैंडल कर सकते हैं आप वो उनको हैंडल कर लें, दूसरे का आप क्लाइंट को बता दें अगर आप टेक्निकल की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। उसके बाद है ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के अंदर बहुत ज्यादा जो है आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, इवन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मंथली उसके ऊपर 5000 प्लस डॉलर अर्न कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही, तो वो एक अलग से तकनीक है, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं तो बाज ने कुछ अपना सेटअप भी उसके ऊपर बनाया हुआ है, अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उनसे वो बैकलिंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे। तो अब अगर आपका एसईओ से रेलिवेंट किसी का क्वेश्चन हो तो पूछें, तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखेंगे सबसे पहले। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन था। वालेकुम अस्सलाम सर, ये ना फ्रीलांसिंग और ये एसईओ हो गया, ईबे या अमेज़न, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा चल रही हैं, हर दूसरे बंदा इसका कोर्स करवा रहा है और लोगों ना इसके लिए हजारों की तादाद में ना फीस देते हैं, लेकिन वो मैंने जितना रिव्यू लिया ना अब तक, एक्सट्रीम कॉमर्स का ऑफिस है मुल्तान में,
तो ये जितने भी बैठ के खुद अर्निंग कर रहे हैं ना, ये कभी भी मतलब उन्होंने खुद सक्सेस कैसे ली इन प्रैक्टिकल वर्क के, उन्होंने जो अचीव किया वो प्रैक्टिकल वर्क से कैसे अचीव किया, ये कोर्स करा देते हैं। अब मुझे नहीं पता उसमें कितना प्रैक्टिकल होते हैं और कितनी कहानी सुनाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई उसके बाद जब हम करते हैं तो हम वो लेवल अचीव नहीं कर सकते। तो इसके बिहाइंड द स्क्रीन क्या रीजन है कि आप प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है वो नहीं बताते, या लोग सही तरह से गाइड नहीं करते बाकी स्टूडेंट्स को? तो आप जो यहाँ पे कराएंगे वो क्या होगा कि हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है कि बस के एसईओ कैसे करना है, इससे रिलेटेड होगा? अच्छा देखिए, आप पेड कर लें या फ्री कर लें सेम ही बात होती है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। एसईओ के अंदर वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, ठीक है, किस तरह से चीजें करनी है। मैंने आपको बताया कि ये इतनी आसान है देखने में कि आप देखते जाएंगे आपको ये लगेगा ओहो इतना आसान है, चले मैं कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, ठीक है, वक्त टाइम गुजरता जाता है। जैसे ही आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो आप वो कर नहीं पाते, जब आप डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर आप फ्रीलांसिंग में पीछे रह जाते हैं। अब देखें मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, अगर आप अपने एंड पे जाके चीजें नहीं करते तो आपके साथ भी यही होगा। मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी कि मैंने ये सारी चीजें यूट्यूब से लर्न की हुई हैं, मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं किया इसके लिए, टू बी होनेस्ट मैंने आज तक पेड कोर्स नहीं लिया एक भी, ठीक है। उडेमी को जरूर देखा है, ठीक है, और वो भी फ्री के ऊपर, गूगल के ऊपर से फ्री वाला डाउनलोड करके वो देखा है, इवन मैंने उसके ऊपर भी कोई डॉलर स्पेंड नहीं किए हुए, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप चीजों को साथ साथ लेके चलते जाएं, अगर लेके चलेंगे तो आपको सक्सेस खुद ही मिलेगी, लेकिन अगर आप खुद से ही इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो देखें कोई भी आपको ये तो नहीं कहेगा कि मैं आपको आए मेरे साथ मैं आपको सक्सेस इसके अंदर करवाता हूँ। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सी चीज इसके अंदर आसान लगती है, सिर्फ उसकी सर्विस प्रोवाइड करें। टू बी होनेस्ट मेरे पास मोस्टली क्लाइंट ऑन पेज एसईओ के हैं, ठीक है, और ऑन पेज एसईओ इसके अंदर सबसे बेसिक सा टास्क है, और समझ लें कि इतना आसान है कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है चीजों की, ठीक है। इवन क्लाइंट मुझे कीवर्ड रिसर्च भी खुद करके प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कहता है कि मैंने जो सिर्फ कीवर्ड के मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने उनसे कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी करवाई हुई है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करो मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब उसकी क्या टेक्निक्स हैं, आप देखें आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग की अगर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके मुतालिक ए टू जी हर चीज आनी चाहिए कि कंटेंट लिखना कैसे है। अगर आपको उसका आइडिया ही नहीं है, आपने सिर्फ चीजें सुनी हुई हैं कभी लिखा नहीं है, तो आप क्लाइंट को जैसे ही डिलीवर करेंगे वो उसी टाइम के ऊपर चले, वो उस टाइम के ऊपर अगर क्लाइंट को भी कोई आइडिया नहीं है वो तब जज नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के बाद पता चल जाएगा किसने जो एसईओ की थी उसके तो रिजल्ट्स ही जीरो हैं, ठीक है। तो जब रिजल्ट्स जीरो होंगे तो वो कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो क्लाइंट ही आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा होगा, वो अपने ही फ्रेंड्स को सजेस्ट कर रहा होगा, अपने रिलेटिव्स को सजेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो वो एक सर्कल बनता जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करें, जैसे ही आप ये इम्प्लीमेंट करते जाएंगे चीजों को खुद से करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा सर, एक इसमें मेरा क्वेश्चन है कि कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, तो इस दौरान इस कोर्स के दौरान हमें कुछ पेड टूल्स तो नहीं खरीदने पड़ेंगे? यार इसके दौरान मैं ऐसा कर दूंगा कि एक दफा जो है ना मतलब हम उसके ऊपर पर्सन देख लेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक ही दफा करूंगा मतलब 1 month के लिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर कुछ हमें होती हैं रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो वो हम आपको मैं बता दूंगा उसके ऊपर, ठीक है, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है अबाउट ब्लॉग पोस्ट के डोमेन के साथ, क्या हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा सकते हैं गूगल के अंदर? जी हम देखें एसईओ का काम ही ये है कि इंडेक्स करवाना और इंडेक्स करवा के उसे रैंक करवाना। सर उसका ब्लॉग पोस्ट जो है ना गूगल का ब्लॉगर मतलब है ना, अगर कोई भी डोमेन हम नाम रख लेते हैं तो उसके साथ ब्लॉग पोस्ट वाला जो एक्सटेंशन लगा लें वो इस तरह आती है, तो उसी के थ्रू डोमेन बाय किए बगैर क्या हम उसी को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कम्प्लीटली करवा सकते हैं गूगल के अंदर, या डोमेन लेनी लाजमी है? देखिए अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप खुद की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए डोमेन लाजमी है। देखिए आप अपनी ही जब होस्टिंग एंड डोमेन के ऊपर चीजें प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपका एसेट बनता जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं और कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो नहीं मैं आपको कुछ भी कह सकता, और ये एसेट आपका इस तरह से है कि आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, ठीक है,
तो अगर आपका ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो SEO आती है तो आप ब्लॉगिंग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सही सर, और हाई CPM कीवर्ड्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, मतलब SEO के रिलेटेड है तो हाई CPM होते हैं ये, हम जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना आपने तब ये क्वेश्चन करना है, तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अगर आप मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं लगेगी कैसे फाइंड करना है, वो हम टूल के ऊपर कर रहे होंगे तो टूल की बेस के ऊपर ही करना है सारा कुछ, हमें कुछ भी मैन्युअली नहीं करना, टूल्स मौजूद हैं। और सर इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितने मतलब वीक की है या कितने टाइम की है, और डेली का लेक्चर होगा, वीक में कितने लेक्चर सर? फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे डेली, मतलब वन मंथ का कोर्स है के? हाँ जी, ऑलमोस्ट हम इसको कवर कर लेंगे वन मंथ के अंदर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, या हम बाद में कुछ प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हैं, तो वी आर ओपन टू इट। हमारा पर्पस है आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाए कि आप अपना करियर स्टार्ट कर सकें, ड्यूरेशन की बिल्कुल फिक्र ना करें। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक स्लैक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज स्लैक ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, सब लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। तो व्हाट्सएप पे हम ना तो कोई डिस्कशन करते हैं, हम व्हाट्सएप पे हम सिर्फ अनाउंसमेंट्स करते हैं, बाकी सारी की सारी डिस्कशन जो है वो स्लैक पे होती है। स्लैक पे इस वक्त भी हमारे 7,500 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक दूसरे की काफी हेल्प कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप इससे रिलेटेड काम करते हैं तो स्लैक पे इससे रिलेटेड चैनल है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो सीनियर लोग हैं वो आपकी हेल्प करेंगे उन्हें रिस्पॉन्ड करने में और आपको अनब्लॉक करने में। तो जिन्होंने स्लैक नहीं ज्वाइन किया वो कर रहे हैं स्लैक पे। जी सर, एक क्वेश्चन सर, ये जो कोर्स है ये स्टार्टिंग में या मिड में गई? फर्स्ट डे है भैया, इसका पहला दिन है आज, और फेसबुक पे इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो शुरू से आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो आईकोड गुरु पे दिन में 6 क्लासेस होती हैं, सबकी रिकॉर्डिंग वहां पड़ी होती है। ओके ओके सर, ये क्वेश्चन है, इनको स्लैक के बारे में गाइड कर दें। जी, अगर आप वेबसाइट पे जाएं www.ico.guru तो उस पर एक वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो ट्यूटोरियल जो बताता है कि हम कैसे काम करते हैं, सारे टूल्स कैसे काम करते हैं, और वहीं पे एक ज्वाइन अस का बटन है, तो ज्वाइन अस के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको 24 आवर्स के अंदर स्लैक की इनवाइट आ जाएगी ईमेल पे। तो ये वेबसाइट ओपन कर देंगे एक दफा, जो स्क्रीन शॉट की यहाँ पे www.ico.guru। तो ये आप लोगो याद रखने, हमारा ये लोगो है, नीचे जाए थोड़ा सा, नीचे थोड़ा सा, तो ये देखें बोल्ड में लिखा हो, ऊपर जाइए ऊपर जाइए, ये देखें बोल्ड में लिखा हो, टू अंडरस्टैंड हाउ आई कुड गुरु वर्क्स प्लीज वॉच दिस वीडियो, और ये नीचे ज्वाइन नाउ का बटन है, तो ये वीडियो देखें और ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके रजिस्टर कर दें तो आपको स्लैक का लिंक आ जाएगा, इनवाइट लिंक। पर अगर आपने कभी पहले इसको ज्वाइन किया हुआ इस वेब पेज को तो फिर अपने ईमेल्स में ईमेल ढूंढे, उसमें स्लैक का बटन होगा, स्लैक का लिंक होगा, इनवाइट लिंक, तो उससे आप स्लैक में एंटर हो सकते हैं। और अब स्लैक दिखा दें जरा इनको, जो हमने पहले विंडो ओपन की थी, तो इस पे आप ये देख सकते हैं कि चैनल में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, टॉप राइट के ऊपर 7,000 समथिंग है, टॉप राइट, दाएं हाथ की तरफ टॉप के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हाँ बिल्कुल 1,500 सर। डेली मीटिंग का लिंक स्लैक पर जो है अवेलेबल हो, मतलब हम हर चीज स्लैक पे करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो। तो स्लैक पर ये देख सकते हैं कितने चैनल बने हुए हैं, तो इसी तरह जो एक चैनल है वो ये वाला है, इसके अलावा हम स्कॉलरशिप के लिए भी गाइड करते हैं बाहर के लिए, उसका भी अलग चैनल है, आपका CV रिव्यू करने के लिए भी अलग चैनल है, उसके अलावा आपको बाकी चीजें पढ़ाने के लिए भी अलग अलग चैनल है। तो हम हर महीने स्टूडेंट्स को एक फ्री इंटरनेशनल इवेंट में लेके जाते हैं, उसका भी एक अलग चैनल है, और ये सारी चीजें 100% फ्री होती है सर। इसी में ही है वो भी चैनल्स जो स्कॉलरशिप वाला, सब कुछ इसी में, सब कुछ इसी में, ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह, ठीक है, वो वीडियो देख लें तो समझ आ जाएगी। तो थैंक यू सर उज़ाफा, बहुत जबरदस्त लेक्चर था, मजा आ गया सुनने का, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह सर, कल से हम जो है ना प्रैक्टिकल चीजें करना स्टार्ट कर देंगे, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेशन, बहुत जबरदस्त सेशन था जी। तो जी अबू सफियान, आपका क्या क्वेश्चन, अगर पूछा नहीं तो पूछ ले, और असद वी हैव 2 मिनट्स।
ये जो लेक्चर हो रहा था इसको मैं फिर से देख सकता हूँ कहीं पे फेसबुक या इंस्टा पे? फेसबुक पे हमारे पेज पे जाएं, सब लेक्चर पड़े होते हैं जी सर। फेसबुक पे ये का लेक्चर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जी सर। थैंक यू सर। ठीक है, जितने लेक्चर हैं सारे फेसबुक पे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि क्लासों में ताकि आप सीख सको। लेक्चर से तो सर वो स्कॉलरशिप वाला कौन सा चैनल है, चैनल का नाम बता देंगे सर? वो आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना जो आई गुड गुरु की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, तो सब कुछ बता देती है। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। तो हम स्कॉलरशिप के लिए तैयारी भी करवाते हैं, आईएलटीएस की तैयारी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अप्लाई भी करवाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, किसी और कोई लास्ट क्वेश्चन और कोई फीडबैक? इसके अलावा आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए हो तो यहाँ पे हमें बहुत सारा, हमारा बड़ा नेटवर्क है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया अमेरिका में, तो जो चीज़ें हमें ना बताऊँ फिर हम कोई बंदा ढूंढते हैं जो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो, हम उनको भी आपसे लिंक करवा सकते। सर एक सजेशन थी कि पाइथन का तो चलें ठीक है उसके ऊपर है, जो लाइफ साइंसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो आर प्रोग्रामिंग चूज करते हैं, अगर उसका भी कोई चैनल बना के शुरू करें। लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट किस मतलब जो बायोइनफॉर्मेटिक्स की फील्ड है, आर भी दूसरे नंबर पे आता है मेरे ख्याल से, मुझे पॉपुलैरिटी में बिल्कुल मैंने यूज किया आर, उसके लिए भी कोई स्टार्ट करें। मैंने यूज किया आर। अच्छा, जो स्टूडेंट आपकी सजेशन, अगर मैं आपके लेवल पे हूँ तो मैं भी इसी तरह सोचूंगा, तो मैं कैरियर में पहले 15 साल इसी तरह सोचता हूँ, फिर मुझे समझ आई कि अगर किसी बंदे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज घंटों के अंदर अंदर आती है। जिस समय अभी जो कोड रिव्यू करता हूँ डेवलपर्स का। जी सर, सर एक्चुअली हमारा सेशन है, मुझे अब इस सेशन को एंड करना होगा। ठीक है, चलें कल डिस्कस करेंगे, सेशन कल कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।